पहली नंबर एक, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में एप्पल का लोगो है। आपको इसमें बताना है इन दोनों में से कौन सा एप्पल का लोगो सही है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। बी वाला, क्या आपका भी यही आंसर था? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली नंबर दो, एक बार बबीता की आंख खुलती है और अपने आप को एक किडनैपर के कमरे में पाती है और वो घबरा जाती है। तो आप बताओ बबीता को क्या करना चाहिए। ए, क्या उसे सीढ़ियों से बाहर चले जाना चाहिए। बी, या कवर्ड में छुप जाना चाहिए। सी, वहीं खड़े होकर हेल्प हेल्प चिल्लाना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। बबीता को कवर्ड में छुप जाना चाहिए और जब किडनैपर वापस आ जाए तो वो देखेगा कि बबीता भाग चुकी है। फिर वो बबीता को पकड़ने के लिए बाहर भागेगा। लेकिन अगर बबीता कवर्ड में ना छुपकर सीधा सीढ़ियों से बाहर जाएगी तो वो हो सकता है किडनैपर कहीं से वापस आ रहा हो और उसे पकड़ लेगा। पहली नंबर तीन, इस इमोजी को देखकर मूवी का नाम गेस कीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है नमक हराम। क्या आपका भी यही आंसर था? तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली नंबर चार, यहाँ दो फैमिलीज है जिसमें एक घर में हस्बैंड जॉब करता है यानी अय्यर और वाइफ घर का काम करती है यानी बबीता, और दूसरे घर में वाइफ जॉब करती है यानी दया और हस्बैंड घर का काम करता है यानी जेठालाल। तो दोस्तों इनको देखकर आपको क्या लगता है, कौन सी फैमिली ज़्यादा अमीर है? अच्छे से देखिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। मुझे तो दया और जेठालाल वाली फैमिली अमीर लगती है क्योंकि उनके घर में एक बहुत बड़ा एलईडी है। ये नॉर्मल फैमिली जल्दी नहीं लेती। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि लेडीज मजबूरी में काम करती है, लेकिन आजकल लेडीज आदमियों के बराबर या उनसे ज़्यादा ही कमा लेती है, तो सेकेंड फैमिली ज़्यादा अमीर है। आपका क्या आंसर था? आप अपना जवाब हमें कमेंट करें।